पीरियड अगर आ रहा है, उन दिनों में अगर फिजिकल कांटेक्ट हो तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? बहुत सारे कपल्स इस बारे में पूछते हैं और अगर उनको प्रेगनेंसी चाहिए तो वो इन दिनों में भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन यू ऑल, इन दिनों में अगर कॉन्टैक्ट किया जाए जिन दिनों में महावारी हो रही होती है तो उनमें प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं। तो अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो आपको आगे के दिनों पर फोकस करना होगा, जिन दिनों में ऑलरेडी हम पहले दूसरे वीडियोस में बता चुके हैं। जो अगर आज पीरियड का फर्स्ट डे है तो उसके बाद जो नाइन्थ डे आता है उससे लेकर जो आपका आगे का 20वां दिन है वहाँ तक प्रेगनेंसी के लिए परफेक्ट डेज हैं, और उसके बाद में और उससे पहले आपके लिए सेफ डे हैं। इनमें अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, चाहे आपका पहला ही दिन आप उसमें जोड़ें जो महावारी का है, महावारी से लेकर लगभग 9 दिन जो आपके आगे हैं उन दिनों में किसी भी दिन अगर कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं। अगर लेडी का पीरियड 28 या 30 दिन का है उस संदर्भ में, अगर ये कम है और ज़्यादा है तो आप दूसरे हमारे वीडियोज़ देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर जो सेफ और अनसेफ डेज के हैं, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर किसी का 22 दिन का या 26 दिन का पीरियड है तो हमें किन दिनों में मिलना चाहिए, किन दिनों में नहीं मिलना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, बिकॉज इसको जानकर ही आप अपने पार्टनर का साथ दे सकते हैं और साथ ही साथ अनचाहे गर्भ से बच सकते हैं। तो ये नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए जिससे कि आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। जो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।